पापियों को बहुत मारती। ये मधुर बोल बचपन को सुखद मार्ग बताने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। और आप लोग विद्यापीठ के लोगों का स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। हमेशा बढ़िया सा न्यूज बनाते रहे ताकि आपके पिलाड़ा गांव की आई माता की महिमा बनी रहे। एक काले की थोड़ी सी सूचना आप लोगों ने दे दूं कि कल गोलियां शुरू करी तो खूब कहने कहने गोलियां बोली है। बोली फाइटना नहीं गया, फाइटना तो काले तना, लेकिन जो को परिवार अगुआ नहीं विवर नाम बोला। गजानन जी महाराजरी बोली 121,000 रुपया मूर्ति स्थापना हाल फाइनल नहीं भी है, कोई भी बोली 121,000 रुपया श्रीमान ओम की सुथार के द्वारा बोली गई। जोरदार स्वागत। बाबा रामदेव जी ने परिवार की बोली रमेश जी महेश्वरी 3,00,000 रुपए तक की उम्र बोली लगी है, जोरदार स्वागत। माता जी महाराज पटेल समाज बड़ी तड़ इन्होंने 1,00,000 रुपए की बोली लगाई है, जोरदार तलोसा स्वागत। श्री बालाजी बालाजी महाराज जी मूर्ति स्थापना की बोली भी रमेश जी महेश्वरी शेठ जी लगाई है 1,35,000 रुपया। भगवान राधा कृष्ण युगल सरकारी मूर्ति नी ओम जी सुतार लगाई है, ओम जी दो बोले एक हाथ लगाई है 1,21,000 रुपया। और उन्हें साथ साथ माँ सरस्वती स्थापना में धर्माराम जी शंकरी प्रभु 81,000 रुपये की बोली चल रही है। जो को इंदो हाचाड़ी ऊपर कलश बिनी हापू जी शंकर री बोली लास्ट चल रही है 2,02,000 रुपये की, जोरदार तरसा स्वागत। अमर दजा बगदाराम जी दुपलिया परिवार प्रभु अमर दजा ने जो बोली 1,80,000 मे चल रही है। भगवान ने चमट वे चमट की बोली 1,00,000 रुपया मोहन जी कारोलिया चल रही है। जाले टकोरा ने बोली कालू जी नेन चरित्र को 35,000 चल रही है। और भगवान ने पट खोलने जो को बोली है मऊ जी करोलिया परिवार 1,05,000 रुपया में बोली चल रही है, लगभग 14,70,000 रुपया की बोलियां बड़ी हुई है। उम्मीद करा बाबा रामा पीरी राय माता री माँ जगदम्बाणी श्रीयादी माता री सभी देवी देवता री अपार माते बस्ती माते गजानन जी महाराज कितनी कृपा हुए और कितनी आमद अपार है जो को मित्र वास्ते गई और मित्रों विकास हुए। पूरी बिलाड़ा बस्ती ने और आस पास रहना सभी बंद लोग ने बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद दूँ कि भाई इन बोलियां में बढ़ चढ़ लाभ लो। इन वास्ते रात्रा कार्यक्रम भी रहता, कल भी रात्रा 8 बजे ले 11 बजे तक रात्रियों कार्यक्रम खूब माताओं में ना भी आई है। आप लोग निवेदन करो कि जितनी माताओं में ना ज्यादा से ज्यादा आप लोग पता हो वो तो ही है मित्रों विकास ज्यादा है। यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, आपने तो पता ही है कि जैसे माताओं में ना है उठे धर्म है कुछ संस्कृति है, जिते संस्कृति है कुछ विकास है। तो इन वास्ते अपन इन मंदिरों बढ़िया विकास करनो, धर्म को विकास करनो, संस्कृति विकास करनो। और अपन जो को कहने कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे वहां परमात्मा रघुवीर और परमात्मा चरणों में पाछो चढ़ाई और इन जीवन को सदुपयोग करा इन जाते ये सभी भगत प्रकार व्यास के चित्र को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। स्वागत करूँ, वंदन करूँ, अभिनंदन करूँ। और इन अठन जो समिति है अध्यक्ष जी सचिव साहब कोषाध्यक्ष जी और पूरी समिति को भी व्यासपीठ चित्र को आपने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ।
आप इन कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके कर दिया हूँ। इतना तक की रात 10-10, 11-11 बजे भी जट में आवाऊँ तो हमारे जगह कोई महाराज की कोई तकलीफ तो नहीं है, तो मैं अच्छा लगो कि भाई बूढ़ा बुजुर्ग भी यहाँ बावजूद भी रात 10-11 बजे भी हमारे जगह एक दिन रात पानी की व्यवस्था नहीं है तो रात संभाल दिया। इन वास्ते बड़ी प्रसन्नता है, प्रसन्नचित मन हूँ आप लोगों का, धन्यवाद देवा कि इन प्रकार का कार्यकर्ता भी कुंभ मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और मैं लोग भी कोशिश कर कि बहुत लोग काम खुद हुए। मैं आपने अपने एक बात बता दूं, बरसात की मौसम की बात ध्यान में सुन जो देखो दूसरों कोई ज्ञान चर्चा है, आपने जो वेद विधान की चर्चा है या जो संस्कृत मंत्र चारित्र है भाई पंडित रविशंकर जी वाला है आपने बता बता तो 10-20 मिनट चले तो हम लोगों को भाई मैं तो मारवाड़ी आदमी हूं सिद्ध बता नहीं क्या और काम हमारा क्यों अनपढ़ आवा धंधे जेड़े छे अबे महाराज बरसात रो मौसम आउना हो ध्यान राखी। अब बरसात रो मौसम आए जन कोई 50 बीघा जमीन है, कोई 100 बीघा जमीन है, कोई 80 बीघा जमीन है, कोई 8 बीघा जमीन जमीन है। राम जी करतो अपन हेंगर जमीन हमारी है सारी। मान लो कल्पना करो के कोई अगर गेवटी ध्यान में उड़ जाओ, मान लो कोई ने घर में 100 बीघा जमीन है जन बूढ़िया कहीं कहवे के भाई 80 बीघा जमीन पाए दो बाकी 10-5 बीघा तो कैनेडा उबा है मगरे तो है देख लो रहते ना जित की उगे तो है को नहीं और की थोड़ा दो गाय रे छोड़ दो तो यूं कर 10-20 बीघा जमीन आप छोड़ दा। अब 100 बीघा जमीन में 15-20 बीघा जमीन छोड़ दी भी और जबकि जमीन छोड़ी अभी जमीन आप भाई जमीन में बाबा जा कहीं है पहले कंठी तवियां काटना पछे कंठी काटना पछे हमार देवा बीज बवा बाजरी है मूंग है मोट है जवार है गवार है तिल है जो को बरसात रहा सीजन में हाउ फसल जो को अपन पाए ने जो को अपन पाए। अब अपन की बात फसल भावा तो जते मूंग है बाजरी है मोट है जवार है गवार है तिल है चीप तो है मैं पाए तो जो का मूंग मोट जवार गवार बाजरी तिल चीप तो होगी लेकिन वहां जमीन तो छोड़ दी भी नहीं होगी बिन मौल्य होगी आंकड़ा होगी तमाशो होगी डोडा होगी ऊंट कटर होगी घुट होगी कि नहीं होगी घुट होगी बस। और अपना शरीर भाई 100 बीघा जमीन है सजना जो को इस पूरा शरीर में जट राम राम की खेती करो नहीं होते तो राम राम नाम रूपी बीज होगी और खाली राम को तुम्हें घुट होगी थान कहीं होगा अपने घुट पहुंच लो। ओम जी खेड़ावत 1 किलो डब्बो, रमेश जी बाकरेचा 1 किलो डब्बो, लक्ष्मण लाल जी मेवाड़ा 1 किलो डब्बो 1 तेल रो डब्बो, बाबूलाल जी नेनीवाल 1 किलो डब्बो 1 तेल रो डब्बो, छताराम जी लालावत 1 बोरी शक्कर और नाताराम जी खेड़ो तो 1 बोरी शक्कर 1 किलो डिब्बो जोरदार तरह सा स्वागत है पर 150 टक्का बिना नुक्ति कहीं बड़ा हो गया। हाँ मैं एक मिनट मुझे याद आ गई थी कैसा बात करना 150 टक्का बिना नुक्ति कहीं बड़ा होगा तेल ये तो बोलो कहाँ लोग तो मुझ कहीं नुक्ति चली बात 150 चाहिए थी। हाँ अरे कम कम छाती ठोक कर कहते सुबह पापा ने मेरे बढ़िया से धो कर बस तो मैं दिया आज पूरी बस दी हां सुन अदा ना देखो कौन कोई बात दे दे बस ना धो कर चाहे ये तो चल बढ़िया बस तो नहीं करता अब शब्द मत मार के पूतना भी अब बा पूतना खत्म और कंस ने उठे हम चार फूंकार कंस ने मर में विश्वास से कोई कठिन कोई है और पक्ष के नहीं निकाली माने वो तो हाथ छेद ही ना रटा बजे Oh!
श्याम जी छिपा डॉट कुंटल में दो और देवराज जी खेड़ावत डॉट कुंटल में दो और कई बात तो बातों जोरदार तरह से स्वागत वाले 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 आनंद कर दिया। हाँ बहुत बहुत जोरदार तरह से स्वागत और साथ साथ 1100 रुपया कालराम जी शिंद्रा 500 केली देवी मोहन जी खटौड़ 1100 कालराम जी मोलक जी गोयल श्रीमती कमला देवी बंशी जी बादव 250 जीवना भाई भवन सिंह जी यहाँ पर 251 श्रीमती पान कौर गौर सिंह जी सोनिया 500 गुप्त में 500 श्री भाया साहब आप जी बाबूदास जी 1100 दिनेश कुमार जी हरजीत धमानिया 11000 रुपया श्रीमती गैरी देवी उद्यानी जी 500 देव सिंह जी भाटी 500 भरत सिंह जी भाटी 500 माटी देवी धनाराम जी गोड़ावट 500 श्रीमती तुलच देवी जोग जी स्वागत 500 श्री मुरली जी गोर्धन जी आचार्य 1100 रुपया जोरदार तरह साथ आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद साथ और लो गिरो डिपो वेगो है मैं ये आए को भाई मौन जी सोनी गिरो डिपो एक कालू जी नेत सा गिरो डिपो एक महेश कुमार जी अशोक जी सागर गिरो डिपो एक मंगलाल जी लकड़ा तेलरो डिपो एक राम रथ जी सोनी एक शक्करी बारी जीवनाम जी शीर भी एक गिरो डिपो और काना नाम जी सागर ठेकेदार साहब रित्र को एक गिरो डिपो डिपो आए को गिरो मैं तुमको हल्लो है तो काना ने एक एक डिपो दे दे दे
चोर मंडली बनाई नहीं, मात्र चोर मंडली खुद अध्यक्ष बन गए, मात्र खावे जो तो खावे बांद्रा ने बड़ा अल्लू बुखा रहे। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी सवाल पूछे, महाराज ये बांद्रा आज कृष्णा अवतार में करो या रामा अवतार में? हाँ, जन किया जाए भगवान कदई कोई रो कर्जो बाकी नहीं रखे, भगवान कदई कोई रो कर्जो बाकी नहीं रखे। जो को कहे महाराज ये बेज बांद्रा है जो रामायुग में सीता में और हरण में उनके भगवान रो बड़ो सहयोग दियो, जो अभी इस जमाने में मात्र खा खा बड़ो कर्जो पाचो उतारे कि मैं कोई रो कर्जो पाचो को दे राखू, थे कोई ने बर्तन दे दिया, गापा दे दिया, चूड़ी उड़ाई दी, तो थे चिंता मत कर, जो थारो कर्जो परमात्मा बाकी नहीं राखे, थारो भी है जो अपने हाथ उतार दे, परमात्मा कितना ही कर्जो बाकी नहीं राखे। अब संत महात्मा कहवे महाराज भगवान जो है गुजरियां घरे जा रहे, जो को एक दो गुजरियां कोई मटके अटके फोड़ दे, एक दो गुजरियां बड़ी रिया बल बल एक प्रभाव की नाम गुजरी, जो माँ यशोदा ने जान के या माँ माँ थारो लालो बड़ो लचकटे मारे मटकियां फोड़ दे, यशोदा मैया ने गुस्सा हो जाए थारे मटकियां क्यों फोड़े, थारे घर माखन क्यों थारे मारे घर कुछ मार बड़ा माखन पड़ियो, नौ लाख गए हनुमत राय जी महाराज घर जबकि थारे घर तो अरबों भाव पड़ियो, लेकिन वो आवे तो माना करो इच खावे। तो एक दिन बाद कृष्ण भगवान ने प्रभावती कह रहे हैं काना थने एक दिन पकड़न थारी माँ कर ले जाऊं, यूं थारी माँ माने को कृष्ण भगवान की और थारी जड़ी गणित की भाई चेले ने मत कर मने और बा गुजरी कहीं करियो के माँ कर में एक छीका मत चाट दी और कुछ घंटियां लाई, जो को घंटियां बांध दी और घंटियां बांध दी और भगवान ने पत्थर पड़ को मने पकड़ने वाला स्कीम करी है, घंटियां बांध दी जो को उठ जाए और प्रभावती थी लुकियोड़ी हिन घंटियां ने हो एक से कान में कहे मैं ऐसे भोग लगावा रोटी जिमा जीते कोई बात की तो मारो बोलो कोई तो घंटे किए जो तो बात जी मैं तो कोई नहीं, मैं तो नहीं बाजू मित्र में घंटी बाजे ना साथ सुबह शाम आरती है बोली जाने टक्कर ना लगे उसने घंटी की कॉल करी ध्यान रखो। हाँ, अबे भगवान है जो को जीते में भगवान ना बाल गोपाल उठे ग्यार भी ने माकर में छेका मात छट छट ने खायो और डोलियो तो मैं घंटिया बिल्कुल ही कोई नहीं और जो ही भगवान कृष्ण है जो को भी ने माकर में खाई और मुंड बढ़ियो और मैं घंटिया जो टन 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 है जो को घंटिया बोल रही थी प्रधानमंत्री कहीं लुकी हुई हुई और पमारती आई कृष्ण भगवान जो हाथ पकड़े और कृष्ण भगवान का हाथ पकड़ के बना दिन लिया था तू पकड़ी जो आज अब पता होती हाथ पकड़ी भगवान ने कृष्ण पकड़े हम जानते बाबू करे बोले ही घर में तो कोई नहीं ठोका दे और घरों बारे चीटे जाऊं तो किन कर कोई बूढ़ा बाबू जी आवता दी क्या और कृष्ण भगवान बिन के ये प्रभावती लाजा मर गूंटो तो काट अब आ गूंज रही औरती जो कि गूंटो काट इनके भगवान थोड़ा हल्लो खेल के जो अटाई तो वेजो पेरी हो जो भाई ने दिख के को अब भगवान हाथ पकड़े पकड़े ले जावे और भगवान मन में विचार करे अगर आज माँ कने कुटीज का आज अगर माँ कने कुटीज का तो बचाऊंगी कोई नहीं मिले और संत महात्मा के महाराज कि जो छोटा जो तुम्हें गुदी नो खुद रो बींद भी नो खुद रो धनी है जो कुछ हाँ नहीं आवता दी क्यों कृष्ण भगवान निशान हम बुला बुलाए वो कने आने की रवियो पर कि वो अपुरा आज छोटा वो हम भाई तो है क्या की कर चुनाव मैं जाके इसकी मैं कर रहा हूँ तुम्हारा हाथ आते पे और भगवान कृष्ण ने गुजरी के प्रभाव के क्यों हाँ अबे तू मीठो मीठो बोले अबे कहीं है मैं माँ वो कुटीस में डरू लड़कियाँ देख कुछ चीज़ में वर्कर को नहीं और मार हाथ में तो खड़े आंगले हैं मदन ढूंगी है मार हाथ से छोटो कहीं ना कहीं ना पड़ गो तुम्हारे मारो उल्टो और को होने लगो क्या बोले की कर नहीं छोड़ो लड़कियाँ थोड़े जचे तो छोड़ पर वो हाथ छोड़ दूसरे को पकड़ लेकर इतना में घर कहीं कटाण है और कूदरी मन में जानी हो आ गई है छोटो छोटो है वाकई में की गड़बड़ होगी तो मेरी माँ वो कुछ हंस जाए क्या बाबा यार अटीलो हाथ पकड़ा अटीला हाथ का चक्कर में खुद तो नाई जान भी धड़ीरो हाथ पकड़ा है गूदरी ने खुद का धड़ीरो हाथ पकड़ा लियो अब गूदरी का धड़ीरो चिंटे में हाथ पकड़ियो सजना गूदरी खुद भगवान तो किया अपना भगवान ने है जो को कितना ही दरवाजा हाँ मकान ने जो भगवान तो लारू बड़े ना अपनी मां कर बैठ गा और बा गूदरी हाथ पकड़ थोड़ा सा बैठू आई माता और खांसी तो खोगी मन हाथ हैं तो हैं तो लागो मन में विचार करी पड़े वो हाथ हैं तो हैं देखा लगा तो गुजरा बीत रहा हाथ पकड़ी हैं तो ना इनके तरीके अब वह गुजरी है जो को मन में विचार करी आजकल माँ कहाँ लगाओ जो जाडू फुरको और यशोदा मैया ने दरबार में मुंडा के आई और हेल्ला पड़ा यशोदा मैया हो यशोदा मैया के काम करते रहिए और यशोदा मैया के कहीं है गुजरी प्रभावती क्यों हका करे क्यों हका करो
आज तारा बेटा ने पकड़ ले आयु हड़के आता मार करे नुकसान करे थे को मात्र कौन खावे। अब यशोदा मैया मन में विचार करे कि वो कानो तो मार कर बैठो ना किया बेटा ने पकड़ ले बाहर जान दे कर खुदरा भीतर हाथ पकड़ी उड़ो। और यशोदा मैया ने हंसो आयो कि हंसो बैठती आज तारा बेटा ने कर हंसो एक के ये गुंदरी प्रभावती तो जो को हाथ पकड़ी उड़ को अन्नी वो बिल्कुल बेटो जेड़ो जे मारा बेटा जेड़ो जे पर तो घूट आगो ना दे कर छाड़े गई लागे जो कुकर ने अपार पतो पड़ी पर आ गुंदरी जीवी है जो हाथ ऊंचो करियो मोड़ गुटो को फिर खुदा पीन दे के उनके हाथ भी बढ़िया फेंक तो आया। और वो आदमी की पहले तू तीन फेरा खाया सो तो मैं खाई जो तू जिस दिन फेरा खाई होते होता लारे फिर हूं और गुरु जी समझ में आएगो। और भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ के कहा थारी जो लीला है पा अपन पार है थारी लीला रो कोई पारा पार नहीं है और इन साथ साथ आओ मन की फड़ा ना गुंजर की रे पकड़ियो रे हाथ छुड़ावे दी तना Thank you.
मैं आपने क्यों नहीं, भगवान कदई कोई कर्जो आपके नहीं रखे। रामा अवतार ने कहे कि लक्ष्मण जी है जो को आपरा मोटा भाई राम जी की बहुत सेवा करी ही, जब भगवान राम मन में विचार करियो तो मारो लक्ष्मण 14 साल अपनी पत्नी रो त्याग कर और मारी सेवा करी है, मारे वास्ते तीर बाण खाई लियो है, शक्ति बाण खाई लियो, मारे वास्ते अपनो जीवन रो बलिदान करियो, आज इनो मैं कर्जो की कर बात उतारू। जब अब की बार कृष्ण अवतार में लक्ष्मण जी ने मोटा भाई बना लिया, लक्ष्मण जी कह रहे यूं कहीं करे भाई, जर क्यों लक्ष्मण तू है जो को रामा अवतार में मारी पड़ी सेवा करी, मैं कदे कोई रो कर्जो बोले बाकी रखो जो इन वास्ते कृष्ण अवतार में तुम्हें मोटो भाई बनाए और थारी सेवा कर और पाछो कर्जो उतार दो, क्योंकि परमात्मा कहता है कि मैं कभी किसी का कर्जा बाकी नहीं रखता। आ भगवान री लीला है। आज लक्ष्मण जी महाराज जो है आज लक्ष्मण जी महाराज बलराम के रूप में आवे और कृष्ण भगवान मन में सोचियो है काले आने नहीं मानते और की करी करम बलराम जी महाराज ने हम जाए की करी करम और बलराम जी महाराज ने समझाए और बालकर साथ जिन जिन नदी मत तने गियर गया तो छोटा बालक कियो काना इन नदी में तो वो काले नाग रहे अपने खाचे मार जाए कृष्ण भगवान की नहीं अपन दूर के मार। और जेने एक जना बोलियो कि काना अगर आप कोई गेंद नदी में ये पटक दी तो कृष्ण भगवान के भाई थे देखो गुजरा ना हगराई टापरो थे तो हो है प्राण वे तो हूं थापड़ो जो को जबान कर लो जो को आ गेंद पानी में पटकेला जो को लावेला नहीं तो होरो और खेलेला भगवान आपरी जबान में खुद जिंदा की मैं था तो वो तो काम ईच करो। और जे बालक है जो को सब गेंद खेलबा जिन टेप शुरू लिया तो सब होरे वाले गेंद खेले और जे कृष्ण भगवान दो बारी आई और एक ही बार में जोरदार एक घड़ीलो मारे जो पूरी धरती घूम डूबी की तो जोरदार चकले और बाकी भी मना नदी। अबे बालक लोग रोवे क्यों काना मैं तने किया कि तू घोटालो करी तू गड़बड़ करी और कृष्ण भगवान को लड़पा लगा बच्चा बच्चा है पर कृष्ण भगवान के लड़ो क्यों मैं तने गेंद पाछी लिया और कहे कि यमुना के किनारे एक कदम ला पेड़ रे छलांग लगाए भगवान कूद और भगवान ने था ही कि आनी है कि मन कोई रोक दे वो पहले पहले यमुना में छलांग लगाई तो कहे कि यमुना नदी में प्रलय दे तू अच्छा तो नाग देवता है जो रक्षा करे वे भगवान का रूप देकर कह तो मारने आया के भगवान का रूप देकर दर्शन करे नीचे जिनते भगवान भुगा तो नाग की पत्नियां वे भगवान का रूप देख और कह तो मारने दे दौड़ी के है जो रूप देखकर दर्शन करे और काना ने हाथ जोड़े के भाई बाबू तू कौन है मारा पति का स्वभाव बहुत खराब है तो तू अटू बोलो बोलो माचो दत्रे कृष्ण भगवान की ओर माधवा मैं तो जाऊं पर मारे बाप बोल है जो लेवन वास्ते के ले जा पर भगवान ने गेंद्रे करे जाए और उन गेंद्रे एक लाख जिनके मारे तो बा गेंद है जो को कहने की कालिया नाग का 101 फण ने टकरा कालिया नाग ने 101 फण हां सर कालिया नाग ने 101 फण हां पर 101 फण जो टकरा के कालिया नाग के शरीर में जन्नत उठे और एक तो फुफका रो रो उठे तो देखे एक छोटो बालक और अपनी पत्नी ने कहा बालक कौन है पहली बात तो यमुना नदी में तो 10 फुट ऊंच कोई सीढ़ी पकड़ो आए तो मैं तो मामा जेल हो मर जावे और नदी में डूब कर क्यों नहीं मरी हो और अच्छे आए तो सैनिक क्यों नहीं मारियो सैनिक जोड़ दिए तो थे क्यों नहीं मारियो। और कृष्ण भगवान ने पूछे तू है कौन बालक उनके भगवान कृष्ण के भी कार्या बात मैं तारी मृत्यु हूँ तू मैंने पहचानने की कोशिश कर अहम ब्रह्माष्टमी मैं ही ब्रह्मा हूँ कार्या नाग ने अभिमान हो और भगवान ने माता आप रखो जो है आक्रमण करियो तो भगवान सीधा कूद और बिना 101 फरान मत चढ़ और नाचना शुरू होता और कई कहे लिखो गुरु चम चमा चम चम Thank you.
मन में खून ही खून करने वो घायल हो जाए और खून मोदी बनाओ तो नृत्य करता चिंता बाहर लावे तो हजारों लाखों जनता बारे बेली जोड़ी चिंता करे लेकिन कृष्ण भगवान ने भी रूप में नटराज रूप में नृत्य रूप में देख और भगवान है जो को दर्शन देवे आदेश यमुना ने खाली कर और अटुबारे जाना पड़े उन रमणीक दीप ने माते गरुड़ जी जान नहीं सके मैंने दुर्वासा ऋषि को श्राप लागो रहे कोई कारण हो दुर्वासा ऋषि जी नाम का एक संत है जो को गरुड़ जी ने श्राप दे दियो कि तू अगर इन धूप मत आएगा तो भस्म भेजागा जो को गरुड़ जी उठे जावे उनके तो उठे जाकर जो उठे दुर्वासा ऋषि ने श्राप रहे कारण गरुड़ आवे को नहीं तो को थारी जिंदगी बच जाए और आज वो काली और नाग जो है भगवान के चरणों में नमस्कार कर क्षमा मांग और रमणीक दीप जातो रहे और इन प्रकार भगवान काले आ रहे हैं जो क्षमा कर दे भाई साथे बहन बेटिया ने शायद ध्यान नहीं कर बालपना कातिया मीना में चांदनी आटम कातिया मीना में चांदनी आटम हमेशा दिन गोपा अष्टमी किया तो भी गोपा अष्टमी के दिन माँ ने आपने जान के लिए माँ माँ मैं गया चलो मैं जाऊं मैंने ग्वालो बनाया इतना दिन तो बाल लीला करता था थोड़ा मोटा गया था क्यों मैंने ग्वालो बनाए थे मैं गया चलो तो माँ यशोदा के बेटा गया है हांडा है मोटा मोटा है हिंगड़ा मोटा मोटा है थन कटी मार दे कर दे तो मैं कटे चिंता करूँ तो भगवान कृष्ण के माँ पचन की तो कर मालूम मन करे क्या बेटा थन छोटो भी कहीं दे तू फिर अरे छोटी छोटी गई और भगवान गोपा अष्टमी दिन छोटी छोटी चोटी जाने गए Thank you.
भगवान ने बैठाया और भगवान ने बैठाए तिलक करियो मोले बांधी और कहे बेटा खूब गाया ने सेवा कर जे तू गाया ने जो को सेवा करे बिनो अनंत कोटि नाम भेजे और इन प्रकार और एक बात याद आई अरे बात घर घर में गली गली में जाऊं चटई कढ़ाई जमे कोई तो है जो को हीरो बनावे कोई लाडू बनावे कोई घेवर बनावे कोई जलेबी बनावे कोई चकिया बनावे कोई की बनावे आज कहीं है होली है दिवाली है आका तीज है बात कहीं है कोई तीज नहीं कोई तीमार दिन आज को कहीं है हम लोग नहीं और माँ यशोदा की बेटा तुम हाल चापड़े तंठा को नहीं आप छप्पन भोग बन रही है भगवान इंद्र की पूजा है इंद्र की पूजा और भगवान ने एकदम दिमाग में आयो कि इंद्र तो अभिमानी है अभिमान की पूजा कभी नहीं मेरी चाहिए भगवान के माँ इंद्र की पूजा करने वास्ते करो कि बेटा अपन जो को बाजरी मूंग मोट जवार गवार लेवेनी जन बरसात इंद्र करे तो भाई इंद्र भगवान की पूजा बात करे जन भगवान के माँ तने हाल था को नहीं है इंद्र थोड़ी बरसात करे बरसात तो गिरिराज भगवान करे अरे माँ के मैं तो नाम ही को नहीं हुनेड़ो गिरिराज जन की माँ शेठ लोग आपरो नाम थोड़ी गाते है गिरिराज भगवान तो असली मालिक है बरसात रहा इंद्र तो मेरे मुनि में जो को थे मुनि में भी पूजा करो जने कहीं बरसात कम वह थोड़ी वह करे काल पड़ जाए तो क्षीता मालिक ने मनाओ यार गणित तो मालिक गिरिराज भगवान है कह रहे मैं तो हुए बनाने के टाटा बिरला ने कितनी फैक्ट्री है हगलाई गए थोड़ी हमारा हगला मुनि हमारा जो मुनि एक तो मुनि में रखी लो मुनि भी नहीं पूजा करो मालिक भी पूजा करो पूरी बस्ती ने बेली करी बस्ती आलम हम जाए बस्ती आलम की मैं तो नाम को नहीं होने जबकि अरे अरे लोग मोटा मोटा लोग अपना नाम थोड़ी दे रहे गिरिराज भगवान की पूजा करो जब थाने जितनी बरसात जगह उन चार गुना हल्ली गई जमा में हल्लो गई और बस्ती ने एड़ी मोहिनी मंत्र ने बांध दिया और बस्ती आला की और की गड़बड़ होगी तो कि गड़बड़ रह गया कि मैं हमारा में मानना तो विश्वास है नहीं और बस्ती आला गिरिराज की पूजा करने वास्ते तैयार लगा इंद्र भगवान की पूजा कर दी कहने शिव और पूरी बस्ती पूजा करी अब पूजा करके वो छप्पन प्रकार का भोग बनाए अब छप्पन प्रकार का भोग में कहीं हमें मन तो खुद नहीं ठाकुर नहीं कोई कोई दान बदल दे रहे लाडू आवे जलेबी आवे गेवड़ा आवे चकिया आवे काजू आवे बदाम आवे दाका आवे काजू आवे किशमिश आवे मारे खुद मोड़ा पानी आवे लोग जुड़ देते हैं तो आओ थाने सुना दिया आओ ही मोदी मोदी लगाओ हे जंगल जोग तैयार की हो I'm gonna go
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.